देखिए साधना, क्या रात के सब्जी बना रहे तुम? पलाटे का पलाटे 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 काय के? गोभी दोबीते। के पराठे बना रही है। अच्छा, हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो राधे राधे, राधे तेज बोलो, राधे राधे। क्या बना रहे हो? सुबह सूप बना रहे हो? तो गुड मॉर्निंग राधे राधे। और ये ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है सूप बनाने की। सूप रेडी है और ये वाला सूप है, तो चलो पीते हैं अब सूप। साधना देखो कैसे देख रही, तुम्हें पीना लगा का है? नाक सो देखा अरे यार, तुम्हें क्यों नहीं है पसंद? जब जुकाम में नहीं चला खा लो वैसे हमने वो नहीं कर रहा, लेकिन हमें फीलिंग्स वही आप देखो हम कटर की सब्जी नहीं खाए। कटर की सब्जी ना भले वो अच्छी है कि, लेकिन जब वो देखत ना तो मन में चित्र वैसे बनता ही क्या ऐसा मीट रहता ही जे वो, तो कटर भी नहीं खाता हम। सूप को और देख के कैसा लगा? कैसा लगा? जैसे जुकाम में नाक निकलते हे भगवान, चल पागल नहीं थे। चलो गाइस, अपन पीते हैं सूप। साधना के पैर फट गए हैं। तुम एक बात बताओ, इधर देखो, तुम घर के अंदर ही काम करते हो, तुम्हारे पैर कैसे फट गए? अगर तुम खेत खेत में काम करते फिर तो तुम्हारा तो अर्थक्वेक बन जाते पाउन में, है अरे वो भूकंप ऐसी जैसे बात है, निशान। हमने माहौल कभी भी नहीं लगाता ही। हाँ इतने पहले करवा चौथ पे लगाओ, फिर हाँ जब गए थे तब भी लगाओ, और उधर गांव में मम्मी ने लगा दो इसे पाओ। हमें ना माहौल रिएक्शन करते तो गए, इसको माहौल रिएक्शन करता है, इसलिए देखो फट जाते हैं। देखो बोरो प्लस लगा रही है भाई। सामने चल रहा है मैच इंडिया के, 145 पे होगा 4 विकेट, टेस्ट क्रिकेट इंडिया और न्यूजीलैंड का। और यहाँ पीते हैं अपन सूप। मम्मी खेत से आई हैं तो मम्मी बता रही हैं एक भैंस और भी आ गई है। क्या हुआ? पड़िया? बढ़िया। हाँ तो गाय देखो, पड़िया हुई है मतलब फीमेल, तो पड़िया ही पड़िया हो रही है। अभी लगातार 3 भैंस भी आ गई हैं, और क्या के तीन पढ़ाई पढ़ा हुआ है, दो दो तीन के पढ़ा हुआ है, तीन के पढ़ी है, पांच भैंसे भी आ गई, अभी ये कोई बयान है एक और बयान है वह। तो सबको बोल दो नहीं, कि तेल पांच ही का है खा वो जाए। छह भी आ गई। छह भी आ गई, हाँ सबको बोल दो कि तेल ही खा जाए। अरे छह हाओ जितने सात भी आ सात गए, भी आ हाओ गई। 7 भी आ गई, जो कह दो सबको तेल ही खा जाओ। हाँ तेल ही खा जाओ सबको कह सबको कर जो क्यों सब जने तेल ही, जो रही क्यों सब जने तेल ही खा जाओ, हमारे घर है सब जने तेल ही खा जाओ हमारे ले जाओ। और घरे एड्रेस तो बता दो अपनो, ले एड्रेस तो बताओ, जाओ एड्रेस तो बताओ, कहाँ हमारे आए कितने ले अभी का तेली? हजारी। हजारी? हाँ तो भैया गोविंद गोविंद नगर, आपने सुन लिया है मम्मी से एड्रेस, आ जाओ तेली ले जाओ। और नगर। ये देखिएगा इस पबजी खेलने वालों की लत, कि इतना बुरी तरीके से खेलते हैं पबजी की, किसी की सुनते नहीं है। मैं ऐसे इतनी देर से बुला रहा, भाई ऋषभ, वो तो ऋषभ देखो सुन ही नहीं रहा। भाई देखो गाइस, ऐसी लत है पबजी वालों की कि कोई भी इमरजेंसी काम आ जाए सुनना ही नहीं है, मतलब किसी से कोई मतलब ही नहीं है। और ये देखो यहाँ पे इनके पैर की एड़ियाँ फट रही हैं से बच्चा पन्नी। गरीबी आ गई को मोजा नहीं लो आ रहा, उसे पन्नियन से काम चला रहा है, झिल्लियन से मोजा नहीं है तुम्हारे पास? को लो आए काय झूठी लेकर बोल रहे हैं, का वजह से पहन रहे पन्नी जल्दी तो? क्या तो दही के को मो जानी लो आ रहा। अरे बताओ ना, सही बताओ, अरे पन्नी से पाँव पसीज जाए, पसीज भी सका हुआ? अच्छा पाँव फटे नहीं थोड़े सॉफ्ट हो जाए एड़ी जो फट गए। तो देखो गाइस, ये पन्नी इसलिए पहन रही है। टाइम हो गया है, 3 बज चुके हैं और अभी तक मैंने नहीं किया लंच। ये देखिए आज आलू की सब्जी बनी है, आलू और गोभी है शायद, आलू गोभी की सब्जी और चावल और रोटी भी है, बट मैं खाता हूँ चावल और सब्जी। करते हैं अपना लंच। और यहाँ देखो, यहाँ देखो मम्मी जा रही है खेत पर, तो मम्मी अपनी डोलची वोलची लेके तैयार है। मैं जा रहा हूँ कार सीखने के लिए, 2 दिन की छुट्टी थी तो 2 दिन बाद अब जा रहा हूँ कार के लिए, साथ में ऋषभ भी जाएगा। I will carry you home when you got no
पार्टी हो और यहाँ पे सबका चालान बनवाना है यहाँ से। सॉरी लाइसेंस बनवाना है, लाइसेंस तो यहाँ से लाइसेंस बनेगा रे सबको। तो हम ड्राइविंग स्कूल आ चुके हैं और 5 भी बज चुके हैं राइट। तो ये सबका लाइसेंस बनना था, वहाँ से ये सबका लाइसेंस इशू हो चुका है, 2 दिन में ये सब निकाल सकते हैं ऑनलाइन इसको। और अब देखो अभी कार आई नहीं है, तो कार आ जाएगी तब अपन कार सीखेंगे मारुति 800 से। अब कौन सा गियर लगाएंगे? अब पूरा अपने छोड़ दो ऊपर तक, ठीक है? ध्यान दो कहाँ जा रही है, गाड़ी को हल्का सा तेज करो, हल्का सा। हाँ सामने देखो, हाँ गाड़ी को संभालते रहो। गाइस कैसी लगी आज मेरी ड्राइविंग? मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से चलाने की, पर देखो लाइफ में उससे पहले मैंने कभी ड्राइव नहीं की थी, तो जैसी भी है ठीक है। और अभी 6 दिन सीखूंगा, 6 दिन के बाद फिर मुझे दिल्ली जाना है, फिर दिल्ली से वापस आके फिर दोबारा से। चलो चलते हैं घर, घर पे आ चुका हूँ। यहाँ देखो मम्मी डिब्बों के अंदर आटा रख रही हैं, और इधर देखिए साधना, क्या रात के सब्जी बना रहे तुम? का पलाटे काय के? गोभी के, गोभी के पराठे बना रही है। अच्छा तो चलो गाइस अभी आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं गोभी के पराठे। ये देखिए फिलहाल ये कितनी प्याज काटी है, इतनी दो प्याज काटी हैं। और ये धनिया थोड़ी सी मिर्ची हरी, 4-5 मिर्ची हरी काट ली है। और फिर देखो गोभी को ऐसे किसना है छलनी से, कच्चे गोभी के बनाते हैं हम, पराठे में पक जाते हैं ना, उबल के बनाओ गीला हो जाता गोभी। तो ये देख लीजिए गाइस, एक छोटा सा गोभी लिया था ना इसमें तुमने, पाव भर का, क्या था किलो का? 300 ग्राम ये, ठीक है इसमें और। तो फिर गोभी को किसना है, फिर इसके बाद दिखाते हैं आपको। अंकल काला नमक है एक दे दो, काले नमक की पैकेट और एक दे दो ब्रेड की पैकेट। कौन सा? यही वाला दे दो। फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, वीडियो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं हम, ब्लॉग बनाते हैं। हाँ यही दे दो, 20 वाला दे दो, एक काले नमक की पैकेट दे दो। एक शॉप है जहाँ मंदिर मम्मी जाती है वहीं बगल में ही, वहीं से मैं ये ब्रेड और नमक लेके आया हूँ। तो अंकल पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों बना रहा है, तो मैंने वीडियो नहीं फोटो खींच रहा, क्या कह रहे फोटो क्यों खींच रहे? तो मैंने कहा कुछ नहीं वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो कह रहे अच्छा। मैंने कहा ब्लॉग चैनल है मेरा, अभी आता ब्लॉग्स, मैंने सर्च करना आप देखना। तो गाइस मैं लेके आ गया हूँ ब्रेड और काला नमक, जो कि ये ब्रेड मैं लेके आया हूँ इस जैम के लिए। ये जैम लेके आए थे हम कुछ दिन पहले, तो हमने कहा यार ऐसे ही रखा रहता है, इससे सही यूज ही होगा ये, तो ब्रेड इसलिए लेके आया। काला नमक लेके आया हूँ मैं, ये आलू के पराठे बन रहे हैं ना जो, इसके लिए देखो यहाँ पे आंधा आटा आना नहीं सॉरी पराठे खावे भाई सजी में लड़खड़े आने लगे। आटा, ये आटा गूंदा जा रहा है, नहीं बताओ 20 का दाव देखो। हाँ 20 का ये है, और ये है, ये देखो ये तो आपने देख लिया था, गोभी प्याज और ये मिर्ची धनिया ये सब वगैरह, और ये नमक भी डलेगा इसमें। तो आज हम आपको दिखाएंगे गोभी के पराठे बनते हुए, और मम्मी यहाँ पे खड़ी हुई है पैसे वापस लेने के लिए। लो ये पैसे वापस आए हैं, मम्मी ने 100 रुपए दिए थे। एक्चुअली क्या मेरे पास चेंज थे ही नहीं, तो इस वजह से मैं मम्मी से लेके गया था पैसे, मम्मी ने अपने पैसे वापस ले लिए। 1 चम्मच लाल मिर्च, तो गाइस इसने 1 चम्मच लाल मिर्च और बोलते 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और आधा चम्मच चाट मसाला डाल दिया। ओके आधा चम्मच, 4 में हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया हरा, 2 बड़े बड़े प्याज और जो सब्जी रखी थी थोड़ी सी आलू की, तो उसे भी हमने गरम करके इतना वैसा सूखा कर लिया, और 300 ग्राम गोभी हम सबको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा तेज बोलो क्यों सुनाई नहीं देता है फिर लोग, क्यों है कि नहीं गाइस? तो गाइस अब इन सबको मिक्स करेंगे, इन सबको मिक्स करने के बाद फिर वो रखा है आटा, उनकी लोई बनाएंगे और उनकी लोई में इनको भरा जाएगा, और फिर बढ़िया गर्म गर्म पराठे बनाए जाएंगे। आगे का प्रोसेस आगे दिखाएंगे आपको।
फाइनली लोई के अंदर, आटे के अंदर ये जो मिक्स है पूरा गोभी आलू, इन सबको मिक्स करके इसके अंदर भरा जा रहा है अब। और अब देखो कुछ इस तरीके से इसको बनाएंगे और फिर हाथों से ऐसे करेंगे, थोड़ा सा आटा फिर से लगाएंगे, फिर इसको बेल देंगे। और यहाँ पे तवा चढ़ा हुआ है, गैस जल रही है लो फ्लेम में, और वहां पे तेल रखा हुआ है, ये रिफाइंड वाली यूज करेंगे हम। आप लोग सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो, अच्छे नहीं लगते। तो गाइस देखिए ये पराठा बन चुका है, अब बस इसको सेकने की जरूरत है। तो यहाँ से ये लेंगे एक चम्मच, चम्मच लेके अब दे तेल डालेंगे तवे पर, थोड़ा सा तेल डालना है हमें चारों तरफ। तुम तो ऐसे कर रहे हो किचन को चैनल में, तो किचन का हो तो लोग कुछ तो दिखाएंगे, हम कुछ तो सिखाएंगे। हाँ किचन के चैनल में दिखाते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं हो तो किचन को चैनल आज मस्त करो रहो तो। तो गाइस कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दिया करो, आप कुछ भी खाने पीने से लेकर अगर कुछ सीखना चाहते हो तो इस चैनल पे भी दिखा सकते हैं हम, कोई बात नहीं। तो देखिए गाइस पहले नीचे से तेल डाल देंगे, फिर देखो फिर पराठे के ऊपर डालेंगे, और फिर ऐसे चम्मच से चारों तरफ इसको फैला देंगे जिससे कि अच्छे से तेल लग जाए पूरे पराठे पर। और बस अब इसको थोड़ा सा सेकना है हमें दोनों तरफ से, ये नहीं कि आप लोग बाहर दो जला दो इसको, जला दोगे तो भाई जला हुआ खाने में मजा नहीं आएगा, है कि नहीं। तो चलो गाइस अब इसका थोड़ा सा वेट करते हैं आने का, इसका बनने का। सेटिंग से करवा दे ले जाए, कॉलेज कब है हर वार भाई, कॉलेज जा रही छोरी, कॉलेज से आ रही कॉलेज बारी छोरी बस। तो भाई देखिए गाने गाते गाते पराठे भी बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, और लगभग लगभग पराठा रेडी है हमारा, बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट पराठा तैयार होने ही वाला है। अभी इसको हम खाकर दिखाएंगे और इनको बताएंगे कि कैसा बना है पराठा। तो ये देखिए गाइस हमारा पराठा बनके तैयार है, और अब इस और हम अब इस पराठे को खाएंगे जैम के साथ। थोड़ा सा ही लगाते हैं अभी, अगर अच्छा नहीं लगा तो खामा का पूरा पराठा खराब हो जाएगा। तो चलो खा के बताता हूँ कैसा लग रहा है अब, ले आओ दो। तो ये देखिए गाइस एक पराठा मैं खा चुका हूँ, ये दूसरा पराठा आ चुका है। पराठा खाने के बाद मुझे साधना को जज करना है कि इसने कैसे पराठे बनाए हैं, तो बहुत ही बढ़िया पराठे बनाए तुमने, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। और हाँ गाइस जैम के साथ उतना अच्छा ही लग रहा है, जैम को हम ब्रेड में यूज करेंगे, बट मैंने बिना जैम के खाया तो बहुत अच्छा लगा, जैम के साथ ओके ओके लगा। तो चलो गाइस अब दूसरा पराठा भी खाते हैं। सच बता रहा हूँ इन पराठों के आगे रेस्टोरेंट के पराठे भी फेल है, बहुत ही बढ़िया पराठे बनाए हैं साधना ने, बहुत ही मस्त पराठे। थैंक यू। मैं पराठे खा चुका हूँ और अब मम्मी खा रही हैं पराठे, तो मम्मी से पूछते हैं कैसे बने पराठे, कैसे बने? अच्छे बने हैं? अच्छे बने, बढ़िया। चलो तो भाई बढ़िया, वहां से गर्मा गर्म पराठे आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बैठ के खा रहे हैं। तो गाइज मैंने तो खा लिए हैं पराठे, मम्मी ने भी खा लिए हैं पराठे, और बस साधना भी पापा के लिए, भाई के लिए और खुद अपने लिए बनाएगी। देखो क्या मस्त उछाल उछाल के पराठे बनाए जा रहे हैं। अब ब्रेड और जैम बनेगा, ब्रेड जैम की रेसिपी। अब ये क्या करेंगे, ब्रेड बीच में लगाएंगे दोनों के, जलन सुनना लगे, खोल लो लायती इनसे, ये इसका ढक्कन ही नहीं खोल रहा, लो पकड़ो वीडियो बना दो ना, बना देखो ऐसे खोलना है।
ये देखो इतना सिंपल है इसने। क्या अरे यार, तो मम्मी के भी थे क्या हाथ? तो गाइस अबे इनके बीच में जैम लगेगा और साइड में फिर घी लगेगा, रेड जैम खाएंगे अभी हम। आज डिनर में अभी आलू के पराठे खाए थे और अब खा रहे ब्रेड जैम, तो मिलते हैं डिनर के बाद। रात के बज चुके हैं 10 और हमने डिनर कर ही लिया। आपको पता ही होगा डिनर में आज आलू के पराठे बनाए थे साधना ने, जो कि साधना देखो यहाँ पे आराम से मस्ती में अपने गाने सुन रही है एयरफोन लगा के। बस ये है कि आज सोई नहीं है, ये जाग रही है। और ब्रेड जैम भी खाया साधना ने बनाया था, सॉरी मैंने खुद बनाया था, वो इसने नहीं बनाया, मैंने बनाया था। इसने इसको भूख लगने लगी तो ये पराठे खाने लगी थी, फिर मैंने उसको बनाया था। तो डिनर मेरा भी हो गया, इसका भी हो गया, घर में सबका हो गया। और तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं खत्म। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। राधे राधे।